उदयपुर कॉमर्स कॉलेज के बाहर सोमवार को एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें नगर निगम की गाड़ी ने सड़क किनारे चलती एक बच्ची को कुचल दिया। हादसे के बाद कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स ने घायल मासूम को एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज जारी है। कॉमर्स कॉलेज के बाहर हाल ही में एक फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है, उसके बाद से यह एक्सीडेंट पॉइंट बन चुका है। कॉलेज के बाहर रोजाना हो रहे एक्सीडेंट के बाद स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग को लेकर कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष मुमल चुंडावत और रौनक राज के साथ कई छात्रों ने रास्ता जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार यह वाहन नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा का है, जिसने सोमवार को कॉमर्स कॉलेज के बाहर एक मासूम को कुचल दिया। मौके पर नगर निगम के अधिकारी भी पहुंचे हैं और कई छात्र स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर रास्ता जाम करके बैठे हैं। पुलिस समझाइश का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, यानी ज्यादा था तो ऐसी कोई एक्सीडेंट जैसी हरकतें कभी होनी रही थी। जब से ये फ्लाईओवर बना है उसके बाद ये आने जाने के 6 एग्जिट पॉइंट है। प्रत्येक दिन 4 से 5 एक्सीडेंट रेगुलर हो रहे हैं यहाँ पे और कोई ना कोई जनहानि हो रही है। हम नगर निगम में 10 बार जा चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, बैरिकेड लगाए, बीच में डिवाइडर का रूप दिया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जस्ट एक 2 बालिकाओं का एक्सीडेंट हुआ है और जिन्हें मारकर नगर निगम की ही गाड़ी जो आगे जाके वहाँ रुकी है, नगर निगम की गाड़ी द्वारा उसे ठोक दिया गया है, जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। हमारी नगर निगम से एक ही मांग है, मैं रौनक राज सिंह, जब तक यहाँ बैरिकेड और डिवाइडर नहीं बनेंगे मैं आमरण अनशन पर बैठूं।